मेरा फ्रेंड जय माता दी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं सबसे पहले आप सभी को बताने वाली हूँ कि चैनल ग्रो कैसे होगा आपका और वीडियो वायरल कैसे होगी। तो फ्रेंड, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हर कोई चाहता है कि चलिए मैं शुरुआत कर देती हूँ कि किस तरीके से आपका वीडियो वायरल होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो हर कोई चाहता है फ्रेंड कि वीडियो उसकी वायरल हो, हर कोई चाहता है कि अच्छे व्यूज़ आए, अच्छे वॉच टाइमिंग हो, सारा कुछ जानते हुए भी अभी आप लोग का वीडियो वैसे नहीं वायरल होता तो आप लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, उसके लिए ना आपको एक ऐसा सेटिंग आपको ऑन करना है कि अभी आपकी वीडियो जैसे ही आप अपलोड करेंगे डायरेक्टली आपका वीडियो तुरंत रॉकेट के जैसे हवा में उड़ेगा और आपके जो है व्यूज सुर्खी में आपके फटाफट आने लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने वीडियो बना लेने हैं, वीडियो शूट कर लेना है। वीडियो शूट करने के बाद आपको उसको जो भी आप जिस भी टॉपिक पे आप अपनी वीडियो बनाएं उसी टॉपिक से उसको उसी टॉपिक से फ्रेंड जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाएं आपको ना वो टाइटल लिख देना है सबसे पहले। और टाइटल लिख देना है सबसे पहले फ्रेंड, और उसके बाद टाइटल लिखने के बाद उसको अपलोड करिएगा, बट आप अनलिस्टेड करके उसको वीडियो अपलोड करिएगा, ठीक है। और आपको वीडियो अपलोड कर देनी है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि आप उसको अनलिस्टेड पहले कर दीजिएगा, प्राइवेट मत करिएगा, डायरेक्ट पब्लिक मत करिएगा, आप उसको अनलिस्टेड करके वीडियो अपलोड कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आपको क्या करना है चलिए वो बताऊँ। उसके बाद आपको करना ये है कि वीडियो उसको आधे घंटे जरूर आप उसको छोड़ दें, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, या फिर अनलिस्टेड करने के बाद आप फटाफट अपने थंबनेल बनाइए। ऐसा थंबनेल बना दीजिए ना फ्रेंड कि लोग देखने वाले उसको तुरंत टच करें और टच करके देखें, उसका फटाफट व्यूज़ आपका है ना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आपको अपने वीडियो अपलोड करनी है, बट आपको ना जो आपका जादू की कुड़िया है ये आप ध्यान रखिएगा, वो डायरेक्टली जो आप वीडियो अपलोड कर देते हैं पब्लिक करके आपको बिल्कुल इस तरीके से नहीं करना है। तो जो सेटिंग मैं बोल रही हूँ ऑन करने के लिए वो है आपकी अनलिस्टेड, बिल्कुल अनलिस्टेड वीडियो करिए और उसके बाद फटाफट से आप जाइए वाईटी स्टूडियो से अपना जो डिस्क्रिप्शन होता है ना आप उसमें जाके अपना जो कुछ लिखना है जो आप लिखे हैं उसमें सेम चीज़ें लिख के और चीज़ें डाल दीजिए, मोटिवेशन डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए जो आप सिखाना चाहते हैं पब्लिक को, ऑडियंस को जो सिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप फटाफट से डाल दीजिए फ्रेंड, ठीक है। और डालने के बाद सारा कुछ मेंटेन करिए, उसको सेव करिए वहीं से। आप ना अनलिस्टेड तो कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। आप पर उसको डायरेक्टली करने के बाद आपको वहीं से जाके आपको वाईटी स्टूडियो से ऑन करना है, ठीक है। मैं कल मोबाइल में आपको पूरा बताऊँगी किस तरीके से करना है। तो फटाफट से आप जाइए उसको वहाँ से सारा कुछ रेडी करने के बाद आप उसको सेव कर दीजिए। उसके बाद थंबनेल बना दीजिए, इतना अच्छा थंबनेल बनाइए और टाइटल बहुत अच्छा लिखिएगा। तो जो आपकी कैटेगरी जिस कैटेगरी पे आप वीडियो बनाते हैं, क्रिएटर हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं वो आपकी प्रॉब्लम है, मतलब आप क्या चीज़ करते हैं भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से अपलोड करनी है आपको अपनी वीडियो, वो चीज़ मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको फटाफट से अपना रेडी करने के बाद आप अच्छे से थंबनेल बना लीजिए। थंबनेल नहीं आता यूट्यूब में सीखिए, सीख कर बनाइए, सारा कुछ आएगा। हर कोई यूट्यूब पर सीख रहा है, बना रहा है, आप भी यूट्यूब पर सीखिए, आप भी यूट्यूब पर बनाइए। इसी तरीके से आप अपने चैनल को ज़रूर एक दिन ग्रो कर पाएंगे, पर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर कुछ सीखना पड़ेगा, तभी आप मेंटेन कर पाएंगे अपने चैनल को। आप जो जैसे कि आपकी सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं, आपका दिमाग जो कि ये चीज़ यहाँ से होना, ये चीज़ आपका बिल्कुल मेंटेन तैयार होना चाहिए, ठीक है। फिर आप थंबनेल बना के सेव करेंगे गैलरी में आएगा, वो सब मैं सिखा दूंगी आप लोग को। अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको सिखा दूंगी थंबनेल और टाइटल कैसे आप रेडी करें, कैसे नहीं। टाइटल तो आपको अपने हिसाब से रखना पड़ेगा क्योंकि आप जिस टॉपिक पे आप बनाएं उसी तरीके से अपना टाइटल लिखें। तो फ्रेंड, आपको फटाफट से थंबनेल बना के रेडी करके उसको सेव कर लेना, वो आपके गैलरी में आ जाएगा, ठीक है। गैलरी में आने के बाद आप डायरेक्टली जाइए वाईटी स्टूडियो पे, वो जो एक कॉलम होता है ना उस पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको ऑप्शन दे देगा जो है 3-4 उसका
एल्बम का वो बना रहता है, तो जो फर्स्ट होता है उसी पे टच करिए, आपका उसी में टच करेंगे तो जो आपका सेव रहेगा ना गैलरी में वो आपको मिल जाएगा थंबनेल, तो उसको आप वहीं से टच करके आप उसको टच करिए, और टच करने के बाद आप उसको वहीं से सेव कर दीजिए, सेव का ऑप्शन आ जाता है, सेव कर दीजिए। अब सेव करने के बाद अब समय आ जाता है उसको अनलिस्टेड से पब्लिक करने का, तो आप एक टाइम बनाइए, जैसे कि आप डेली 3 बजे वीडियो अपलोड करिए, 3-6 बजे सबसे अच्छा तरीका है कि 5 बजे के बाद वीडियो अपलोड करिए, ऐसा आपको ज़्यादा बढ़िया होता है। सुबह करना है तो 10 बजे के बाद, अगर आपका वीडियो ग्रो हो गया है तो आपका कोई टाइमिंग नहीं है, आप चाहे जब चाहें तब डालें, तब आपका थंबनेल टाइटल अच्छा हो जाए, ठीक है। सो गाइस अभी फटाफट से आप उसको डायरेक्टली कर नहीं करना है, जैसे मैंने इसका सारा प्रोसेस बताया उसी तरीके से आप करते जाइए, और उसके बाद अनलिस्टेड से आप पब्लिक कर दीजिए, और पब्लिक करने के बाद आपका टाइटल, आपका थंबनेल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल आकर्षित, इंसान देखे तो तुरंत उसको टच करे और देखे जरूर। इस तरीके से आपको वीडियो बनानी है, फटाफट से अपनी सेटिंग ऑन कर लो आप, और इसी तरीके से आपका वीडियो वायरल होगा फ्रेंड। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल बनाए हो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। जो चीज़ नहीं आती होगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, हम आपको जरूर सिखाएंगे। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, बंदे मातरम।